नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। बलिया के डाकघर से सुकन्या योजना में घोटाले का मामला सामने आया है, जिसमें आम आदमी लाखों रुपए साजिशकर्ताओं ने डकार लिए। दरअसल बलिया जनपद के बास्टी के अंतर्गत हुसैनाबाद डाकघर में कई ग्राहकों ने सुकन्या योजना के तहत लाखों रुपए जमा किए थे। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक खाता धारक ने डाकघर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। राजकोष को चूना लगाने की घटना को संज्ञान लेते हुए बलिया के डाकघर द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई, जिसमें पाया गया कि 22 खाता धारकों द्वारा जमा किए गए 4,11,682 रुपए हेड पोस्ट ऑफिस के एनकाउंटर में जमा नहीं किया गया। बलिया हेड पोस्ट ऑफिस के हेड पोस्टर मास्टर का कहना है कि जिन 22 खाता धारकों की जमा धनराशि के साथ हेराफेरी की गई है, उन खाता धारकों के खाते में जमा धनराशि प्रदर्शित हो रही है। ऐसे में खाता धारकों का पैसा नहीं डूबेगा, लेकिन राजकोष को लगाया गया चूना साजिशकर्ताओं ने किस तरह से इस घोटाले का अंजाम दिया, जल्द ही इसकी रिकवरी की जाएगी। सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए जहां एक तरफ आम जनता अपनी मेहनत की कमाई डाकघरों जमा करती है, ऐसे में घोटालों की ऐसी साजिश डाकघरों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करती है। पेशे बलिया से नवल जी के साथ अखिलेश सैनी की एक खास रिपोर्ट। किस तरह सुकन्या को घोटाला किया गया है? देखिए, हुसैनाबाद शाखा डाकघर है, जिसमें हुआ क्या है कि पासबुक में चढ़ा दिए गए हैं, लेकिन उसको हिसाब में नहीं लिया गया। इसमें कस्टमर को कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनके जो भी पासबुक में है तो उनका पूरा पूरा पैसा सेंक्शन किया जाएगा। जो भी विभागीय स्तर पर कार्रवाई वो चल रही है, जाँच की प्रक्रिया गोइंग ऑन है। अभी तक जो मामले आए हैं, 21-13 खाते हमारे SB के सुकन्या के आए, ठीक है, और उसके बाद 8 खाते हमारे SB के हैं, TD के खाते हैं, जिसमें अभी ये मामला संज्ञान में आया है। बाकी जितने भी कस्टमर शाखा डाकघर हुसैनाबाद से संबद्ध हैं, सबको ये सूचना दी गई है कि किन्हीं के भी खाते में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी लगे तो वो हमारे शाखा हमारे इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी से संपर्क करें। संपर्क कर करके अपना बैलेंस चेक करवा लें, यदि उनका बैलेंस ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि बैलेंस में कुछ गड़बड़ी है तो फिर उसमें कार्रवाई की। लगभग कितने लोगों का इस तरह से किया गया है? 22 खाते हैं। कितने रुपए की धनराशि सर अभी आई है प्रकाश? अभी तक जो टोटल रकम आई है 4,11,682। तो ये पैसे क्या मतलब पोस्ट ऑफिस में जमा नहीं हुए? हाँ, हमारे खाते में, मतलब जो गवर्नमेंट अकाउंट में नहीं क्लियर किए। और कस्टमर्स के अकाउंट में? कस्टमर के अकाउंट में है, शो हो रहे हैं। शो हो ठीक। सर कोई टीम बनाई गई जांच के लिए? हाँ, जांच की इसमें टीम बनाई गई, हमारे निरीक्षक रमेश यादव निरीक्षक केंद्रीय, और CI हमारे शिवम गौतम, और 2 ओवरसियर की टीम है, 4 लोगों की टीम। कब तक सर जांच पूरी हो जाएगी? जांच लगभग कंप्लीट स्टेज में है, क्योंकि जिनको जो कस्टमर अभी तक टर्न आउट नहीं हुए तो उनको हम लोग को SP 46 का नोटिस जारी करते हैं। नोटिस में ये लिखा हुआ होता है कि आपके पासबुक में पोस्ट ऑफिस के रिकॉर्ड के अनुसार इतना बैलेंस है, और यदि इसमें कोई भी आपको कहना है या आपत्ति है तो आप हमें बताएं। क्या ये पोस्ट ऑफिस के सरकारी कर्मचारी हैं क्या जो गड़बड़ी किए हैं इसमें? वो GDS कर्मचारी थे, एक्चुअली वो एक्सपायर कर चुके हैं जून जी।